नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इतिहास के सब्जेक्ट की। और इतिहास में आज हम कवर करेंगे किसको? साइमन कमीशन को। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो वे प्ले स्टोर में जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जाकर देखिए, आपको बहुत सारे एग्जामों से संबंधित आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ। जैसे आपका उत्तराखंड से संबंधित एग्ज़ाम है, सैनिक स्कूल से संबंधित एग्ज़ाम है, लेक्चरर या एलटी का एग्ज़ाम है, यूके ट्रिपल एससी का आपका एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, इससे संबंधित आपको वहाँ वीडियो देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित पूरा कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। और वो कोर्स जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, आपके लिए बनाया है, वे बिल्कुल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया है। जिससे क्या हो, जिससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं और पूरी तरह से आपको क्या मिले, वहाँ सफलता मिले। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो वे जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों क्या चीज, आज हम देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विषय में बात करेंगे, साइमन कमीशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइमन कमीशन की घोषणा जो करी गई थी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, वो कब की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों 8 नवंबर 1927। जी, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की क्या करी गई थी, घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, इसके पश्चात 3 फरवरी 1928। ठीक है दोस्तों, कब, यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, आप आंसर देंगे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचा दोस्तों, बंबई पहुंचा। कहां पहुंचा, बंबई पहुंचा। और घोषणा कब करी गई थी, घोषणा करी गई थी 8 नवंबर 1927 को। अब बात करेंगे इसके सदस्य अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन था, सदस्य कितने थे इसमें, तो देखिए अध्यक्ष कौन था, अध्यक्षता इस समय पे सर जॉन आपका साइमन, उसी के नाम पे, उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है, देखिए कमीशन का नाम साइमन कमीशन नाम रखा गया है। तो सर जॉन साइमन क्या था, इस कमीशन का, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। और इस साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन कौन थे, हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट हुआ करती थी, उसके ही एक सदस्य थे सर जॉन साइमन, जिनको अध्यक्ष बनाया गया। और सदस्य कितने थे कुल इसमें, इसमें कुल सदस्य देखने को मिले दोस्तों 7 सदस्य इसमें थे, किसमें, साइमन कमीशन में। अब बात करते हैं कि भारत क्यों आया, क्या इसके कारण थे, किस लिए इसको कमीशन को भारत में भेजा गया था। अपने पुराने लेक्चरों में मैंने आपको पढ़ाया था 1919 का एक्ट, पढ़ाया था मैंने आपको 1919 का, जिसको आप भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं, वहां पर हमने देखा था कि यहां पर एक बात आई थी, 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, 10 वर्षों के पश्चात एक कमीशन का गठन किया जाएगा। और वो कमीशन क्या देखेगा, वो कमीशन इस बात को देखेगा कि जो हम भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जो भारत में लाया जा रहा है, ये भारत में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, भारत की जो गतिविधियां हैं, भारत में इस एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा, क्या सुधार देखने को मिले या क्या सुधार नहीं देखने को मिले, किस प्रकार से ब्रिटिश शासन चल रहा है, उन सारी चीजों की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद। कहां कहा गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इस बात को कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा जो ये सारी चीजों की जांच करेगा, उसकी निगरानी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात को लेकर 1927 में घोषणा करी गई साइमन कमीशन की। अब यहां से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सर अभी तो आपने बोला कि 1919 के एक्ट में कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन की घोषणा करी जाएगी, परंतु ये तो कब आ गया है, ये तो 1927 में आ गया है, 10 साल कैसे, 10 साल में अगर देखिए 1919 से 10 साल 1929 होना चाहिए, परंतु 1927 में इसकी घोषणा कर दी गई और 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंच गया, बंबई पहुंच गया। अब ये बात क्यों, यहां पर बच्चों को बड़ा डाउट होता है, तो इस बात को क्लियर करते हुए चलते हैं दोस्तों। देखिए दो बातें यहां पर देखने को मिली, क्यों इस कमीशन को समय से पहले बना दिया गया। देखिए पहली बात, देखिए दोस्तों 1929 में ब्रिटेन में क्या होने वाले थे, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे।
ब्रिटेन में क्या होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे, और इस समय 1927 के समय जो पार्टी वहां पर थी, जो राजनीतिक दल वहां पर सरकार चला रहा था, वो था लिबरल दल। वहां पर देखिए लिबरल, लेबर और कम्युनिस्ट, ये दल देखे जाते थे। तो जो लिबरल पार्टी थी वो वहां पर सरकार चला रही थी, और ये पार्टी कतई नहीं चाहती थी कि भैया जो ये कमीशन बनाने का मौका किसको मिले, किसी दूसरी पार्टी को मिले। डर ये था इस दल के मन में, लिबरल पार्टी के मन में ये डर भी था कि चुनाव में अगर हम पराजित होते हैं तो लेबर पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी को मौका मिलेगा इस कमीशन को गठन करने का, और ये हम कतई नहीं चाहते हैं कि भारत में हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जांच अन्य पार्टी के द्वारा, अन्य दल के द्वारा करी जाए। दूसरा देखिए, इस चुनाव में प्रभाव पड़ेगा इस कमीशन का। तो पहला आप समझ गए, ब्रिटेन में जो चुनाव होने वाले थे, इस चुनाव में प्रभाव पड़ता है इस कमीशन का, इस कमीशन के आने का, तो इसलिए क्या हुआ, समय से पहले भेज दिया गया। और दूसरा रीजन जो निकल कर आता है कि भारत में राष्ट्रवादी जो आपका, भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां क्या हो चुकी थी, गतिविधियां बढ़ रही थी, भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, तो इस वजह से भी क्या रहा, इस साइमन कमीशन को समय से पहले भेज दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण और भारत में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ने के कारण मुख्य कारण इसका क्या रहा, मुख्य कारण रहा 1929 में ब्रिटेन में जो चुनाव होने वाला था, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए समय से पहले साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और भारत में भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये बात आपके दिमाग में आपको लेते हुए चलनी है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सरलता के साथ मैं आपको चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी क्या करना है, बिल्कुल भी चीज़ों को टफ नहीं बनाना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, आराम से चीज़ों को हम सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके पश्चात क्या हुआ। इसके पश्चात दोस्तों जब ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो भारत में जब साइमन कमीशन आया तो भारत में क्या हुआ, भारतीयों ने, भारतीय नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया, पूरी जोर के साथ विरोध किया, मजबूती के साथ विरोध किया। जहां जहां भी साइमन कमीशन गया वहां वहां क्या नारे लगे, वहां वहां नारे लगे, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। जगह जगह इनको काली काली पट्टियां बांधी गई। ठीक है दोस्तों, लोगों ने काली पट्टियां बांधी, काले झंडे दिखाए, किसको, साइमन कमीशन को। आपने वर्तमान समय में भी देखा होगा जब किसी का विरोध करना होता है तो क्या करा जाता है, काली पट्टियां दिखाई जाती हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, और वे सारी चीजें क्या देखने को मिली थी जब साइमन कमीशन भारत आया था। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन निकल कर आएगा, साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष का नाम तो इजी है, साइमन नाम से है, साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में किस स्थान पे पहुंचा, तो आप आंसर देंगे 3 फरवरी 1928 बंबई में साइमन कमीशन सबसे पहले पहुंचा था। अब यहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा कि जो भारतीय थे, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, किस कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया, तो याद रखिएगा उस कारण को। ये जो 7 सदस्य थे, इन 7 सदस्यों में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं कराया गया था। ठीक है दोस्तों, इन 7 सदस्यों में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं कराया गया था, और यही बात रहा, यही कारण रहा कि भारतीयों ने क्या करा, इसका पुरजोर विरोध किया। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी देश में सुधार देखने जा रहे हैं, आप किसी देश में किसी जांच को करने जा रहे हैं, तो आपको उस देश के नागरिकों को उस जांच कमेटी में, उस कमीशन में शामिल करना चाहिए, परंतु यहां पर भारतीय शामिल नहीं हुए, इसी कारण से क्या रहा, इनका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने इसका बढ़ चढ़ कर विरोध किया दोस्तों, और केवल कांग्रेस ही नहीं, यहां पर देखिए कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य राजनीतिक दल थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वामपंथी पार्टी जो थी, इसी के साथ हिंदू महासभा की जो पार्टी थी, जो अन्य राजनीतिक दल थे, उन्होंने भी कांग्रेस के साथ इस साइमन कमीशन का विरोध किया। और सबसे मेन बात यह निकल कर आई, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कांग्रेस के विरोधी बन चुके थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या करा, कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस की बात से सहमत हुए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या करा, इसका साइमन कमीशन का विरोध किया। इतना भयंकर विरोध यहां पर साइमन कमीशन का निकल कर आया, परंतु अंततः साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब देखिए जगह जगह इसका साइमन कमीशन का विरोध हुआ, यहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा। यहां पर देखिए लाहौर,
जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था क्रांतिकारी का दूसरा चरण, तो मैंने वहां पर सांडर्स हत्याकांड आपको पढ़ाया था, जब चंद्रशेखर और आपका भगत सिंह ये लोग मिलकर क्या करते हैं सांडर्स की और उसके रीडर, उसका जो रीडर था सांडर्स का चरण सिंह या चानन सिंह, उसकी हत्या कर देते हैं, उस सांडर्स की हत्या करते हैं। तो वो हत्याकांड क्यों कराया गया था, वो हत्याकांड लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध, उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए किया गया था। लाहौर का जो सहायक पुलिस अधीक्षक था सांडर्स, मैं अपनी क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको पूरा चैप्टर, मैंने आपको बताया था कि मारने तो गए थे भैया लाहौर के पुलिस अधीक्षक को स्कॉट जिसका नाम था, परंतु मार दिया किसको, सांडर्स को। तो वही यहां पर हमें कहानी देखने को मिल रही है। लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो यहां पर देखिए लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था वो किसके नेतृत्व में हो रहा था, वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हो रहा था। पंजाब केसरी जिन्हें कहते हैं, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहां पर लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। इस समय लाहौर का जो पुलिस अधीक्षक था, जो एसएसपी था, उसका नाम था स्कॉट। क्या नाम था? स्कॉट। इस स्कॉट ने आदेश दिया लाठी चार्ज का, लाठी चार्ज करने का आदेश दिया, और उसी लाठी चार्ज में क्या हुआ, लाला लाजपत राय के मस्तिष्क सर में चोट लगी, और उससे क्या हुआ, उसके एक महीने बाद अक्टूबर के समय उनके सर में चोट लगी और नवंबर के समय क्या होगी, उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और इसी स्कॉट से बदला लेने के लिए आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर थे, उसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने स्कॉट को मारने के लिए लाहौर षड्यंत्र रचा था, जिसके तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा भी मिली थी। ये सारा का सारा चैप्टर मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, अपने लास्ट क्लास में आपको सारा का सारा क्रांतिकारी का दूसरा चरण में वहां पर आपको पढ़ा चुका हूं सही ढंग से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लाहौर में हमने देखा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, क्वेश्चन पूछेगा किस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु, तो आप आंसर देंगे साइमन कमीशन के विरोध में। इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए लाहौर में जब इसका विरोध हुआ दोस्तों, तो लाहौर में क्या देखने को मिला, लाहौर में सॉरी दोस्तों लखनऊ में हमें क्या देखने को मिला, लखनऊ में जो विद्रोह किया गया उसका नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने और गोविंद वल्लभ पंत आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा के खूंट जिले के निवासी, खूंट में इनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा के खूंट में, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है। तो गोविंद वल्लभ पंत, आपको नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, साइमन कमीशन का विरोध किया लखनऊ में इनके नेतृत्व में, और यहां पर भी पुलिस ने क्या करा, लाठी चार्ज किया इनके ऊपर। और जवाहरलाल नेहरू को इस लाठी चार्ज से बचाने के लिए गोविंद वल्लभ पंत ढाल की तरह उनके आगे खड़े हो गए इस लाठी चार्ज से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, हमने बात करी देखिए यहां पर कि किस प्रकार से इसका विरोध हुआ। इतना भयंकर विरोध होने के पश्चात भी साइमन कमीशन ने अंततः 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। एग्जाम में आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, आप आंसर देंगे 27 मई 1930 यानी कि 1930। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए साइमन कमीशन ने भारत के कितने दौरे किए, भारत कितने बार आया। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन ने भारत के दो दौरे किए, दो बार साइमन कमीशन भारत आया, एक तो 1928 में और उसके बाद 1929 में। 1928 और 1929 का दौरा करने के पश्चात, दो बार भारत का दौरा करने के बाद साइमन कमीशन ने क्या करा, 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और अपनी रिपोर्ट में इसने क्या बात करी, अपनी रिपोर्ट में इसने बोला कि भैया जो 1919 का एक्ट था, देखिए फिर से चलिए 1919 के एक्ट की तरफ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919, जब मैंने अपने लेक्चर पढ़ाया था मैंने बताया था सबसे मेन बात थी कि यहां पर द्वैध शासन हमें देखने को मिला था। तो 1919 में क्या रहा, इन्होंने बोला भैया जो 1919 के एक्ट के तहत द्वैध शासन शुरू करा गया है, उस द्वैध शासन को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। 1919 के एक्ट के तहत चलाए गए द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद कुछ बातें और कही जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत सारी बातें यहां पर कही थी अपनी रिपोर्ट में, मैं दो या तीन बातें बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा बोला था कि भैया एक संघीय सरकार का गठन करो, संघीय सरकार मतलब सेंटर में एक सरकार का गठन करो। और तीसरा यहां पर बोला था कि भारतीयों को उत्तरदायित्व मत दो, भारतीयों को उत्तरदायित्व
नहीं देना है। ये किसने बोला? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला। उच्च न्यायालय को सरकार के अधीन रखने की भी बात कही, और ये सारी बातें किसमें निकल कर आई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट में निकल कर आई। इन सब बातों को आगे चलकर 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आएगा, उस भारत शासन अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कही गई बातों को ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक माना। जैसे कि आपका द्वैध शासन की समाप्ति, क्वेश्चन आता है द्वैध शासन की समाप्ति किस एक्ट के तहत, आप आंसर देंगे 1935 के एक्ट के तहत। और आपको जैसा कि आप सबको पता है कि आपके संविधान में सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई हैं, सबसे ज्यादा विषय वस्तु लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो आगे बढ़े। यहां पर हमने बात करी किस प्रकार से साइमन कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी और कितने इसने दौरे किए, दो दौरे इसने भारत के किए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है दोस्तों,